गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग। यदि आप खुद को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हो, आप दिमागी तौर पर मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनना चाहते हो, कमज़ोर नहीं रहना चाहते, तो बिना किसी कारण के धन्यवाद व्यक्त करो। दिन का आरंभ शुक्राने से करें। हमें अच्छे मन के लिए बुरी आदतों से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अंदर ये बुरी आदत क्यों है, इसको छोड़िए, धन्यवाद में रहिए। एक बात है कि हमको सभी से, अपने माता पिता से, गुरुजनों से, टीचर्स से, जिन लोगों से भी कुछ ना कुछ मिलता है, उनका शुक्राना मानना चाहिए। तो ये एक टॉपिक है आभार व्यक्त करने के ऊपर, जिससे कि आनंद प्रकट होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोगों को ढूंढना बहुत कठिन है, दो तरह के इंसानों को ढूंढना कठिन है। पहला, उस व्यक्ति को जो दयालु है, बिना किसी कारण के हित करता है, दूसरों का भला करता है। आज की दुनिया में आप देखते हैं हर व्यक्ति स्वार्थी है, मेरा क्या फ़ायदा निकलेगा ये सोच करके कुछ भी काम करता है, सेवा करता है, जो भी करता है। लेकिन वो लोग बहुत कम हैं जो दयालु हैं और बिना किसी कारण के सबके हित में लगे हैं, निष्कामी हैं। हमारे बहुत सत्संग प्रेमी इस तरह के हैं। परंतु उस व्यक्ति को ढूंढना लगभग असंभव है जो अहित के बदले आभार व्यक्त करता है। कोई हमारा बुरा करे और हम उसका शुक्राना माने, ऐसा व्यक्ति देखा कभी आपने? कोई बुरा कर दे और उसका शुक्राना माने। तो जो भी कुछ हमको मिलता है संसार से, पहला पॉइंट है, जो भी कुछ हमको संसार से मिलता है उसका शुक्राना माने। जब आप सच्चे मन से दूसरों के अच्छे गुणों की मन ही मन तारीफ करते हो, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हो, तो वे गुण आपके अंदर आ जाते हैं। जब किसी की बुराई हम देखते हैं तो बुराई हमारे अंदर आ जाती है, जब किसी की अच्छाई हम देखते हैं तो वह अच्छाई हमारे अंदर आ जाती है। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, मेरे मामा जी, मैं बम्बई में हमारी ननिहाल रही, तो बम्बई बहुत जाया करता था हर साल लगभग एक महीने के लिए। अम्मा जी जाते थे तो उनके साथ, ज्ञान में नहीं आए थे, सत्संग में नहीं थे, बचपन की बात बता रहा हूँ। तो हमारे मामा जी को देने का बहुत स्वभाव था, तो मैं उनको देखता रहता था, ये पैसे देते रहते हैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को, कोई आएगा जरा सा कहेगा मुझे ज़रूरत है, झट उसको पैसे दे देंगे, देखता रहता था। तो माइंड ने कहीं रिसीव कर लिया, माइंड पकड़ लेता है ना बातों को। तो जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो अच्छे हैं तो हमारे अंदर अच्छाई आती है, और जब हम खराब लोगों का संग करते हैं तो खराबी अंदर आ जाती है। अब जब कोई आपके लिए दरवाज़ा खोले, चलने के लिए रास्ता दे, बैठने के लिए स्थान दे, कोई मुस्कुराए, आपको प्रणाम करे, नमस्ते करे, तो मन ही मन आभार महसूस करो। अगर कह सकते हो तो कह दो आपके बहुत शुक्राने, और नहीं कह सकते तो मन ही मन आभार व्यक्त करो, इन्होंने मुझे रास्ता दे दिया। हमारी गाड़ी, हमको जल्दी थी तो इन्होंने, हमने हॉर्न बजाया, इन्होंने रास्ता दे दिया, कितने शुक्राने। कोई कोई होता है रास्ता नहीं देता, तो जिसने रास्ता दे दिया बहुत शुक्राने। दूसरा है एप्रिशिएट इरिटेटिंग पीपल, जो आपको परेशान करते हैं उनका शुक्राना मानो। सबके प्रति धन्यवाद, खासकर उन लोगों के प्रति जो आपको इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद शुक्राना। आप पूछेंगे क्यों आ रहा है मन में? नहीं, वो हमारे कर्म काट रहे हैं, हमको हल्का कर रहे हैं, हमारे पापों की गठरी को हल्का कर रहे हैं। जन्म जन्म कितने पाप बना लिए हमने, हमें याद भी नहीं है, पता ही नहीं है। यदि ऐसे लोग जीवन में नहीं होंगे तो विनम्रता, दया, क्षमा, उदारता, ये गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे?
हम धैर्य का अभ्यास कैसे करेंगे, सहनशीलता कैसे आएगी। इसलिए हरेक व्यक्ति को धन्यवाद जो हमें परेशान करता है। बड़ी अजीब सी बात है, कुछ नई बात है ना, वो हमारे कर्मों को काट रहा है, हमारी अच्छाई को चैलेंज करता है कि तुम अच्छे बन के दिखाओ, हमें बेहतर और मजबूत होने का अवसर देता है, हमें वो मजबूत बना रहे हैं। जब परेशानी आती है तो आदमी सोचता है परेशानी क्यों आ गई, लेकिन हमें ये पता नहीं होता। जब माँ बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है तो वो सुई भी लगाता है और बच्चा चिल्लाता है, रोता है, लेकिन माँ बहुत प्यार करती है बच्चे को, फिर भी सुई लगाने देती है डॉक्टर को। क्यों लगाने देती है? बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम कमज़ोर हैं शायद, तो परेशानी भेजकर भगवान हमको मजबूत बनाते हैं। झेलो परेशानी, मजबूत बनोगे। तभी मैं कहता हूँ ना, काम से कभी मत भागो, जितना काम आए करो, आप मेहनती बनोगे, मजबूत बनोगे। अपनी गलतियों के लिए भी धन्यवाद महसूस कीजिए। अब दूसरों की तो बात हो गई, अब अपनी, हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी अपनी जानता हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। कई स्थानों पर भिक्षु लोग, सन्यासी लोग, महात्मा लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में उचित कठिनाइयाँ आएँ। ये जो साधक लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, ये कठिनाइयों से डरते नहीं हैं। कठिनाइयाँ आएँ जिससे मेरा हृदय प्रेम और सहानुभूति से भर जाए, मैं भी समझ पाऊँ कि लोगों के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं। अगर हमारे जीवन में कठिनाई ना आए तो हमें पता ही ना हो कि लोगों के जीवन में कितनी कठिनाई है। अब आप लोगों को कितनी तकलीफ है मैं थोड़ी जानता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे, कई तकलीफें होंगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जब मेरे ऊपर तकलीफ आई तो अब मुझे समझ में आता है कि लोगों के जीवन में कितनी तकलीफ होती होगी, तो मेरा हृदय से उनके लिए बहुत प्रेम का भाव निकलता है। मुझे लगता है कि मैं उनके साथ हूँ, जो भी तकलीफ में है मैं अंदर से ये फील करता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। तो हमारा हृदय प्रेम और सहानुभूति से भरता है जब कठिनाई आती है। जब हम स्वयं गलती करते हैं, उन्हें स्वीकार करके स्वयं को माफ़ करते हैं, नहीं मेरे से गलती हो गई, तो स्वयं को माफ़ कर रहे हैं ना, तभी हमारा हृदय इतना बड़ा होता है कि हम दूसरों की गलतियों को भी माफ़ कर सकते हैं। इसलिए हर दुख और कष्ट हमें दया और प्रेम सिखाता है। चौथा पॉइंट है, कुछ नहीं के लिए आभारी। हमारे पास कुछ नहीं है, शुक्राना मानो। आप सोच रहे होंगे क्या चल रहा है आज, बहुत दिन बाद कोई नया टॉपिक मिला है। बी ग्रेटफुल फॉर नथिंग। यदि आप खुद को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आप दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनना चाहते हो, कमज़ोर नहीं रहना चाहते, तो बिना किसी कारण के धन्यवाद व्यक्त करो। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, आपके अनंत शुक्राने, आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया है, रहने को दिया, खाने को दिया, जीने को दिया, कपड़ा दिया, खाना दिया, पानी दे रहे हो, धरती माता का कितना शुक्राना, हमें रहने का स्थान देती हैं, नीचे से पानी निकलता है, पानी पीने को देती हैं। यदि आप बिना किसी कारण धन्यवाद नहीं कर सकते तो सोचो कि कितनी बुराइयों से आप बचे हुए हो। अगर बिना किसी कारण के हम धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं तो अब सोचना शुरू करें दुनिया में कितनी बुराइयां हैं, हम बचे हुए हैं शुक्राने। आज तक न जाने कितने एक्सीडेंट हो गए, हम बचे हुए हैं शुक्राने। ये गूगल मीट पे माता जी बता रही थी कि हमने, हमारी बहू ने मोमबत्ती कूलर के ऊपर रख दी, कूलर प्लास्टिक बॉडी का, लाइट चली गई थी रात में तो मोमबत्ती उसके ऊपर रख दी, फिर हम नीचे आ गए, नीचे इन्वर्टर है, तो हम बैठे अपना टीवी देख रहे थे, टीवी का शोर हो रहा था और ऊपर सारे घर में आग लग गई, तो नीचे थे सब लोग, सब बच गए, कितना शुक्राना। देखिए ऐसा भी हो जाता है, तो कितने एक्सीडेंट से हम बचे हुए हैं, कितने शुक्राने।
कितनी बीमारियों और इन्फेक्शन से कोविड में कितने सारे लोग मर गए, हम बचे हुए हैं, कितने शुक्राने। कितनी बीमारियां आती हैं, कितने लोग मर जाते हैं, हम बचे हुए हैं, कितने शुक्राने। आप किसी वॉर जोन में नहीं हैं। जैसे आपको पता हो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, 10 साल होने जा रहे हैं, हजारों हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए। कोई आसान है? हम तो कितने अच्छे से जी रहे हैं। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा बीमार था तो मेरे को एक ख्याल आता था कि देखो मैं तो अपनी तकलीफ़ को कह रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो यूक्रेन में बम कब गिर जाता है और वो शहर पे बम डाल रहे हैं, शहर के अंदर बिल्डिंगें की बिल्डिंगें तहस नहस हो जाती हैं, कितने लोग मर जाते हैं एक साथ, कभी समझ में नहीं आता। हमारे ना शुक्राना नहीं मानते। भुखमरी के कारण हम नहीं मर गए, कुछ लोग फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, शहरों में जाते हैं काम धंधे के लिए, काम मिलता नहीं, भूखे मर जाते हैं सड़क के किनारे। जब आप जीवन और शांति की कीमत समझते हैं तो आप धन्यवाद महसूस करते हैं, हम अभी तक जीवित हैं, भगवान आपके अनंत शुक्राने। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जो इंसान बिना किसी कारण धन्यवाद फील करता है उससे सत्य निष्ठा की आशा की जा सकती है कि एक अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि वो इंसान पहले से ही खुश है, पहले से ही पूर्ण है, और जो पूर्ण है वही अडिग है। इसलिए बिना किसी कारण धन्यवाद अनुभव करो। पांचवा पॉइंट है, धन्यवाद को अपनी मुख्य प्रक्रिया बनाओ। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी जटिल हो, कितनी भी परेशानियां हों, उसमें नई शुरुआत यानी नया आरंभ का सकारात्मक बीज होता है। कितनी बीमारी आती है लोगों को, कुछ लोग अब ये फील करते हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये अच्छे अच्छे काम करूंगा। तो हर परेशानी के पीछे एक सकारात्मक बीज छिपा रहता है। शुक्राना माने, ध्यान करना, सूत्र पढ़ना, सेवा करना, सबकी सहायता करना, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन साथ में आभार मानना, आपने सेवा ली, आपके शुक्राने, आप आए हैं, आप बैठे हैं, सत्संग ले रहे हैं, आपके शुक्राने। नहीं तो अगर मुझे घर घर सत्संग देने जाना पड़ता तो इस समय 350-400 लोगों के घर में जाता, सत्संग करता, देता, उनको बैठता, कितनी मुश्किल होती, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितने शुक्राने आपके। हमेशा खुद को धन्यवाद में रखना कठिन है, क्योंकि पुराने सबकॉन्शियस माइंड पैराडाइम चालू हो जाते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, ये बुरा है, वो बुरा है, फलाना ऐसा, फलाना ये करता है, चीज़ ठीक नहीं आई, खराब आई, ये हो गया, वो हो गया, माइंड क्या सोचता रहता है पूरे टाइम, इधर की उधर की बातें, बेकार की बातें, कहाँ चला जाएगा, पास्ट में पुरानी वो प्राचीन बातें, इधर की बचपन की या जो भी पिछली बातें सोचता रहता है, क्या मतलब है। तो इसका सतत पालन करने से, लगातार ध्यान रखने से कि मुझे तो शुक्राना मानना है, जीवन शक्ति में बड़ा रूपांतर आता है, बड़ा परिवर्तन आता है हमारे जीवन में। आप सदैव हंसते मुस्कुराते रहोगे। छठा है, ग्रैटिट्यूड से अपनी मानसिकता का विस्तार करें। उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए आप धन्यवाद कर सकते हो। अगर ये कहा जाए तो आप क्या लिस्ट बनाएंगे, कितनी लंबी हो सकती है वो लिस्ट? लोग हैं, परिवार है, घर है, जॉब है, नौकरी है, व्यापार है, खाने को मिलता है, पानी पीने को मिलता है, ये है, वो है, 10 चीज़, 20 चीज़, 30 चीज़, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 200 चीज़ों की लिस्ट बनाओ, शुक्राना मानो 200 चीज़ों का, तो आँख बंद करके पूरा दिन देखो, पूरा दिन।
आँख बंद करके मत देखो, आँख बंद करके इस समय शाम हो गई है, रात हो गई है, पूरा दिन ध्यान दो। घर में आपके कितनी चीज़ें होंगी गिनती करो, 100-150-200 होंगी, चम्मच, कटोरी, थाली, गिलास, स्टील के भगोने, बर्तन, अलमारी, कपड़े, सोफ़ा, पलंग, चादर, चादरें, चादरों का बक्सा, कपड़ों का बक्सा, अलमारी, गिनो, 400-500, घर के ऊपर है, कितना बड़ा है। हर चीज़ का शुक्राना। आप देखिए, ताज़ा हवा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच मुख्य देवता हैं, तत्व हैं, जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। कभी आप किसी पार्क में जाएं, मंदिर में जाएं, थोड़ा बहुत बगीचा होता है, उसमें नंगे पैर अगर आप खड़े हो जाएं, तो आप महसूस करेंगे कि आप धरती को छू रहे हैं, पृथ्वी, अगर वहाँ पानी का छिड़काव हुआ है तो जल, वायु आप ले रहे हैं, आकाश, अग्नि तत्व, गर्मी पेट में है, पांचों तत्व से एकता, कितने शुक्राने हैं। तो ताज़ी हवा, मिट्टी की खुशबू, बच्चों की खिलखिलाती हंसी, पेड़ों की महक, पत्तों की सरसराहट, शक्कर की मिठास, नीले आसमान की चमक, चाय की गर्माहट, तो सबके लिए धन्यवाद महसूस करो, तो लिस्ट आपकी 10 से 200 तक, 400 तक, 800 तक पहुंच जाएगी। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा अनुभव व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। जो एक छोटी सी जिंदगी हम जी रहे हैं, विराट जीवन में आ जाते हैं। इससे हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए कितने चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। ग्रैटिट्यूड का न होना, शुक्राने का न होना, अर्थात अस्तित्व के चमत्कार को अस्वीकार करना होता है। अस्तित्व ने, परमात्मा ने जो चमत्कार किए हुए हैं, जब हम शुक्राना नहीं मानते, तो इसका मतलब हम उन चमत्कारों को अस्वीकार कर रहे हैं। एक फूल को देखिए, कितना सुंदर होता है, कुछ नहीं में सब कुछ प्रकट हो रहा है, हर पल चमत्कार है। हम जितने अलग दिखते हैं, कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। जंगल के पेड़ ऊपर से अलग अलग होते हैं, लेकिन जड़ें उनकी इतनी फैली होती हैं कि आपस में वो सिमट जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार पूरा अस्तित्व एक है। तभी कहा ना शुरू में, भगवान ने कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और भगवान सब कुछ बन गए। हर दिन परिवार, दोस्तों, शिक्षकों, उन सभी लोगों के लिए आभार महसूस करें जो हमारे जीवन को आरामदायक और हर पल संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर वो लोग, खेतों में किसान, व्यापारी, सब लोग हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। सातवां है, दिन का आरंभ शुक्राने से करें। हमें अच्छे मन के लिए बुरी आदतों से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अंदर ये बुरी आदत क्यों है, इसको छोड़िए, धन्यवाद में रहिए। कितनी चीज़ें मिली हैं, कितना अच्छा है सब कुछ, धन्यवाद। जितनी जगह हम शुक्राने के लिए अपने मन में बना लेते हैं, उतनी कम जगह बेकार की बातों के लिए बचती है। इसलिए हर दिन सुबह से रात तक धन्यवाद करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस हमारे जीवन में बदलाव ले आती है। एक कवि ने कहा है, मेरे शरीर से होने वाले सभी उचित कर्मों के लिए शुक्राना, हृदय में प्रेम, आँखों में आंसुओं के लिए शुक्राना, भगवान के लिए रोना शुक्राना। सांस शीतल है, मन अचल है, इस मौन के लिए शुक्राना। कृतज्ञता के साथ जानवरों, पेड़ों, कीड़ों, समुद्री जीवों, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, सबका शुक्राना। सब दे रहे हैं प्रकृति में। कीड़े ना होते तो गंदगी कौन खाता। जो अपने श्रम से मेरे जीवन को आशीर्वाद देते हैं, कृतज्ञता से मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्राना बोलना चाहता हूँ। हमारी पीढ़ी, पूर्वज, उनके श्रम और उद्योग
जिसके कारण आज हम हैं, उनको याद करते हैं, उनका शुक्राना। कृतज्ञता के साथ मैं अपना स्वास्थ्य, सुरक्षा, भलाई के लिए धरती का आभारी हूँ, उन लोगों का आभारी हूँ जो मेरा सहयोग करते हैं, शुक्राना। समाज में जो लोग मिलकर रहते हैं प्रसन्नता और सुगमता के लिए, सबका आभारी हूँ, सबका शुक्राना। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। आप सभी प्रेमियों के बहुत बहुत शुक्राने। सबको सब प्रेम। राधे राधे।